योगी की रामलीला आप देख रहे हैं आज तक पर यह विशेष कवरेज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सरयू तट पर, भव्य दीपोत्सव जिसके साथ छोटी दिवाली के इस आयोजन के साथ कुछ सियासत भी साधने की कोशिश होगी, कुछ धर्म और आस्था को आगे ले जाने का एक प्रयास भी दिखेगा। लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उन्हीं तस्वीरों के पास। एक तरफ श्री राम, सीता और लक्ष्मण कुछ देर पहले आए थे, वो तस्वीरें भव्य थी, लेकिन उसी के साथ अब योगी कुछ देर में सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं। देखिए इन तस्वीरों को और सीधे लिए चलते हैं आपको सरयू तट पर। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंकित, कितनी देर में पहुंचेंगे योगी और किस तरह का आयोजन दिख रहा है? जहां आप खड़े हैं वहां से तस्वीर क्या दिख रही है? अंजना, मैं पहले आपको तस्वीर ही दिखाता हूं, उसके बाद योगी जी के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे मनमोहक तस्वीर शायद ही आपको और कोई मिले। बनारस में इस तरह का जरूर दिखता है, लेकिन इस बार जबरदस्त आयोजन यहां पर किया गया है। मेरे पीछे आप जो स्टेज देख रहे हैं, जो फूलों से सजा हुआ स्टेज है, वहां पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नाईक गवर्नर और साथ में कई जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो होंगे। ये पूरा सजाया जो गया है, ये एलईडी लाइट लगाकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 6:10 पे पहुंचेंगे और 15 मिनट की सरयू आरती, सरयू माता की जो उसको आरती बोलते हैं, वो यहाँ पर वो खुद ही लीड करेंगे, सबसे वो खुद शुरू करेंगे। और वहाँ पर माइक लगाया गया है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण भी योगी आदित्यनाथ खुद ही करेंगे। उसके बाद अगर मैं कोशिश करूँगा एक बार, अगर मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको दिखा सकें, पीछे जो आप वो इमारत देख रहे हैं वहाँ पर स्टेप्स हैं, वहाँ पर घाट हैं 10, उन घाटों पर करीब 1,75,000 से ज़्यादा दिए लगाए गए हैं, मिट्टी के दिए, उनको जलाया जाएगा। पहला दिया योगी आदित्यनाथ यहाँ जलाएंगे, उसके बाद पीछे वो दिए जलाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश होगी यहाँ पर अयोध्या की। तो काफ़ी पूरा जो रास्ता है वहाँ पर पूरा ज़बरदस्त तरीके से एलईडी लाइट के साथ और भगवा झंडों के साथ इसको सजाया गया है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर लोग अभी आने इकट्ठा शुरू हो गए हैं। तो जो जिस तरीके से भी सुबह से आप लोगों से बात करें, सब यही कह रहे हैं, खुश हैं काफी कि इतना बड़ा भव्य आयोजन अयोध्या में हो रहा है और उनको लगता है कि इससे अयोध्या जो विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है, उसके टूरिज्म पे का जो नक्शा है उस पर आएगी। चाहते हैं कि मथुरा में जैसे होली। अंकित, बहुत सही जगह पर आप खड़े हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, योगी बोल रहे हैं, सुनते हैं। हमारे आदरणीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगद्गुरु पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रद्धाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी, महंत धर्मदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य सभी संत जन, भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्रीमान केजे अल्फोंस जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री वह श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी माननीय श्री प्रकाश जी,
माननीय सांसद बबलू सिंह जी, माननीय सांसद विनय कटियार जी, माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी और उपस्थित अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पर्यटन विभाग की इन कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए उपस्थित हमारी पर्यटन मंत्री प्रोफेसर नीता बहुना जोशी जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उपस्थित अयोध्या के सभी भाइयों बहनों, आप सबको दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और दीपोत्सव के साथ आज पूरा उत्तर प्रदेश आपके बीच एकत्र हुआ है, इसलिए आप सबको एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं दी। अयोध्या के बारे में देश और दुनिया के मन में क्या है, इसका सही और एक पॉजिटिव तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था कि जिस अयोध्या ने इस देश को और इस दुनिया को वह सब कुछ दिया जो मानवता की कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, राम राज्य की उस परिकल्पना को जिसमें आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई स्थान न हो, उस परिकल्पना को साकार करने वाला अयोध्या आखिर क्यों विकसित हुआ, क्यों लगातार एक नकारात्मक चर्चा का विषय बनता रहा, उस नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का एक अभियान है हम सब का, और इसलिए हम सभी लोग एक साथ इस मंच पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पूरी अयोध्या नगरी ने और इस जनपद ने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इसको एक मोर्त रूप देने का प्रयास किया है। जो कार्यक्रम आज का उसका पहला चरण है, चार चरण पूरे होने हैं, इसलिए अभी तो हम पहले चरण में यहां शामिल हो रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई दे रहा हूं, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आप सब ने देश के बारे में, आज देश अपनी आजादी के 70 वर्ष पूरा कर चुका है और देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को एक समर्थ भारत और सशक्त भारत बनाने की ओर जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है वह हम सबको सदैव प्रेरणा देता है कि जीवन तप कर ही बनता है और दीप सदा जलकर हंसता है, और मुझे लगता है दीप बनने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज दीपोत्सव के इस अवसर पर अयोध्या में बधा रहे हैं। ये दीपावली का उत्सव देश और दुनिया को अयोध्या ने दिया, लेकिन अयोध्या स्वयं उपेक्षित हो गई। अयोध्या लगातार प्रहार झेलने के लिए मजबूर होती गई, लेकिन अब वह प्रहार झेलने की स्थिति नहीं रहेगी। 133 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास यहां पर संपन्न हुआ है, और मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूं, हमारे पूज्य संतों ने पिछली बार भी जो बात कही थी यहां के घाटों के बारे में, पूरी अयोध्या के सुंदरीकरण के बारे में, और अयोध्या ही नहीं, हम लोगों का तो प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस हर कार्यक्रम को हम लोग एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, नैमिषारण्य हो, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का धाम हो, तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी का धाम हो, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का धाम हो, या फिर इस देश के अंदर पुरातात्विक महत्व के भारत की विशिष्ट वास्तु के लिए प्रसिद्ध
उन सभी स्थलों के विकास का या फिर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के विकास का। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया का टूरिज्म का एक हब बने, इस विशेष की शुरुआत हम लोग अयोध्या से करने जा रहे हैं कि अयोध्या देश और दुनिया के सामने अपने उस पुराने वैभव के साथ एक बार पुनः स्थापित हो सके। लोग अयोध्या के बारे में नकारात्मक चर्चा बंद करके अयोध्या को सही मायने में समझने का प्रयास करें। अयोध्या मानवता की धरती है और अयोध्या ने मानवता का पाठ दुनिया को पढ़ाया है राम राज्य के माध्यम से। और इसके इस मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के उपरांत जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक इस देश के अंदर कोई भी सिर ऐसा न हो जिसकी कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके सिर को ढकने के लिए छत न हो, कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास 2019 तक अपना व्यक्तिगत शौचालय न हो, कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसके घर में बिजली का बल्ब न जल रहा हो। राम राज्य क्या है? यही राम राज्य है जिसके पास अपना घर हो, जिसके पास अपना रोजगार हो, जिसके पास जिसके घर में कभी आजादी के 70 वर्षों तक बिजली नहीं चली, उस गरीब के घर में जब बिजली निःशुल्क कनेक्शन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जलता है उसके लिए वही राम राज्य है। जिस गरीब के घर में कभी रसोई गैस का चूल्हा नहीं जला है, वह गरीब जब अपने घर में रसोई गैस का चूल्हा जलाता है तो उसके लिए वही राम राज्य है। उसके जीवन में जो उसने सोचा नहीं उस सोच को साकार रूप प्रदान करने के लिए जो भी अभियान चल रहे हैं यह मानवता के कल्याण को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। अयोध्या के विकास के लिए और प्रदेश के हर उस क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सानिध्य में भारत सरकार के सहयोग से उन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करेगी। अभी इस कार्यक्रम के बाद सरयू जी की आरती होगी। हम नदियों की आरती क्यों कर रहे हैं? आरती का हमारे यहां महत्व क्या है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम भी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके रूप बने। नदियों की पूजा करेंगे, नदी संस्कृति को बचाएंगे, उसको प्रदूषण से हम मुक्त करने में सहायक हो पाएंगे। और सरयू जी की तो अपना महत्व है, कितनी पवित्रता है। इन नदी संस्कृतियों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सरकार ने सरयू जी की आरती का शुभारंभ सरयू जी के तट पर प्रारंभ किया। हम लोगों ने यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के साथ साथ जो भी चिंता है कि बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहां पर सरयू जी की धारा नहीं आ रही है, लेकिन हम वहां भी सरयू जी की धारा को लाने के पूरे कार्यक्रम के साथ अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और योजनाओं को मूर्त रूप देने की दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल आज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ है। भाइयों बहनों, अगर सचमुच हमें अपने जीवन में और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के जीवन में खुशहाली लानी है तो हमें विकास का पथ अपनाना पड़ेगा, अपनी विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि विकास एक माध्यम है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जोड़ने का। उस तक हम विकास करेंगे वो समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा, और समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के बाद विकास की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हम पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए इसलिए कर रहे हैं। हमारा जो नौजवान यहां पर नारे लगा रहा है, तालियां बजा रहा है, आखिर नारे और ताली कब तक?
आखिर एक समय के बाद उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसके सम्मान का उसको जीवन चाहिए और उसके सम्मान के साथ जीवन अपना यापन कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार का माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए आज आपके द्वार पर आई है, आपके पास आई है और इसीलिए आपको आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग की उन स्मृतियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, जब 14 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ होगा। अयोध्या का उस समय का क्या दृश्य रहा होगा, अयोध्या ने देश और दुनिया को दीपावली तो दी लेकिन सदैव आशंका की नजरों से अयोध्या को देखा जाता रहा। क्यों? आशंकाएं बंद हो, अयोध्या के नाम पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह बंद हो, अयोध्या को उसकी पहचान मिले, अयोध्या को उसका सम्मान मिले और अयोध्या वासियों को देश और दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जिस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अभियान यहां से चला था वे साकार होता हुआ दिखाई दे, इस वजह से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आभारी हूं अपने पूज्य संतों का, एक साथ सभी पूज्य संतजन यहां पर इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि सारे संत एक साथ मंच पर उपस्थित होकर के इस पूरे कार्यक्रम को, अयोध्या की इस पूरी अद्भुत दीपोत्सव के कार्यक्रम में सहभागी बनने जा रहे हैं और हमारे अभिभावक के रूप में प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने सहजता के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को एक नई भव्यता और एक नई दिव्यता प्रदान की है। मैं सचमुच आभारी हूँ अपने पूज्य संतों का, अपने आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी अयोध्या वासियों का, कि आज पूरी दुनिया देखना चाहती है और इसलिए हमारी सरकार ने अयोध्या को नगर निगम के रूप में भी मान्यता दी है। याद रखना, अयोध्या नगर निगम की जितनी आबादी है उतने दीप आज अयोध्या में जलेंगे। यहाँ के घाटों पर सरयू जी की आरती के तत्काल बाद जो कार्यक्रम भव्यता के साथ होने जा रहा है वह दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ी दिव्यता के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया देखना चाहती है और उस दृश्य हम लोग यहाँ पर आपके बीच आए हैं। आप अयोध्या में हैं लेकिन आप जानकारी रखकर आपको रखना चाहिए भगवान राम की जिस लीला को यहाँ पर आप मंचन करते हैं, तुलसीदास जी ने जिस रामलीला की शुरुआत प्रारंभ की थी, ये रामलीला केवल यहीं पर सीमित नहीं है, ये रामलीला थाईलैंड में भी होती है, ये रामलीला इंडोनेशिया में भी होती है, ये रामलीला श्रीलंका में भी होती है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं, लगभग एक दर्जन देश हैं जहां पर राम की इस लीला के माध्यम से लोग प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने उन देशों की कुछ रामलीलाओं को भी यहां आमंत्रित किया है। मैं पूज्य संतों के चरणों में एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अगले वर्ष से रामायण मेले का कार्यक्रम अगर इसी आयोजन के साथ जोड़ दिया जाए और एक साथ दुनिया की सभी रामलीलाओं का मंचन अलग अलग दिन हम लोग करना प्रारंभ करें तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अयोध्या के बारे में जो प्रश्न उठते हैं ये प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे। मैं थाईलैंड गया था, मुझे देख के आश्चर्य, वहां जितने भी नेशनल हाईवे हैं वे सारे के सारे नेशनल हाईवे थाईलैंड में भगवान राम के नाम पर हैं। राम वन, राम टू, मैंने पूछा राम क्या है, उन्होंने कहा यार राम के ही नाम पर सभी यहाँ के नेशनल हाईवे हैं। वहां के राजा ने अपने महल को रामायण को दान कर दिया और रामायण के चित्रों को घेर करके उन्होंने पूरे महल को एक म्यूजियम में बदल दिया। ये थाईलैंड में वहां का राजा आज भी अपने को कहता है कि राम हमारे पूर्वज थे, हम राम की संतान हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इंडोनेशिया की रामलीला आई है जिसका मंचन आज यहां होना है और आप आश्चर्य करेंगे इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जितने कलाकार आए हैं सब मुस्लिम हैं। लेकिन उनसे मैंने जब पूछा
कि भाई आप तो मुस्लिम हैं, राम से आपका संवाद। कहा देखिए इस्लाम हमारा मजहब हो सकता है लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं, राम को हमसे कोई काट नहीं सकता है। राम के साथ उनका संवाद देखिए, श्रीलंका की मामला भी यहां ही है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं, हर कार्य पर टिप्पणी करेंगे। अगर मैं किसी कार्य के लिए पूरब की तरफ जाऊंगा तो भी लोग कहेंगे अरे साहब ये पूरब की तरफ क्यों चले गए, मैं अयोध्या आ रहा हूं तो लोग कहेंगे अयोध्या क्यों आ गए, और अगर ना हो कहेंगे देखिए धरती हमारे अयोध्या नहीं आ रहे हैं। यानी दोनों प्रकार के प्रश्न उठेंगे। और अब मुद्दा उठाया जा रहा है कि हम लोग जनता के ध्यान को हटाने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, जनता का ध्यान हटाने का माध्यम नहीं अपनी योजनाओं के साथ आए हैं। छह महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने जो कार्य किए, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का कार्य किया, 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से सीधे खरीद करके समर्थन मूल्य से अधिक दाम उनको देने का कार्य किया, 25,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, और शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख गरीबों को भारत सरकार के सहयोग से आवास उपलब्ध करवाने के कार्य प्रारंभ किए गए, 33 लाख लोगों को राशन कार्ड, गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए, और अब तक हम लोग लगभग 22 लाख से ऊपर लोगों को जिनके पास आजादी के बाद से कभी बिजली नहीं थी हम लोग निःशुल्क विद्युत कनेक्शन लोगों को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1,53,00,000 बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए हैं, उनको बैग दिए हैं, बुक्स दिए हैं, और उन गरीब बच्चों ने कभी जूते पहने नहीं थे उन 1,53,00,000 बच्चों को जूते और मोजे देने का कार्य भी उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने संपन्न किया है। बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या वासी होंगे पिछले 15 वर्षों में कितने दिन बिजली मिलती थी, अब तो अयोध्या की बिजली सुधरी होगी, अब तो अयोध्या में बिजली आ रही होगी, पहले नहीं आती थी, पहले घंटा दो घंटा आती थी, और आज अयोध्या में अगर ग्रिड साथ दे, यहाँ का फीडर साथ दे, हमारे ऊर्जा मंत्री यहाँ बैठे हैं, हम अयोध्या को 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। पहले नहीं मिलती थी, पहले तो उत्तर प्रदेश के 3 से 4 जिलों के वहां भी कुछ निश्चित स्थान थे वहां पर बिजली मिलती थी, बाकी प्रदेश के 70-71 जिले उससे वंचित रहते थे। जो लोग बिजली में भेदभाव करते थे, विकास में भेदभाव करते थे, यही अंतर है, यही राम राज्य है जहां कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, ना चेहरा देकर के, ना जाति देकर के, ना मत देकर के, ना मजहब देकर के, यही राम राज्य है। और वह रावण राज्य था जो भेदभाव करता था जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, आप चिंता मत करिए, विकास के कार्यों के साथ जुड़िए, प्रदेश सरकार विकास के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याण की जितनी योजनाएं दी हैं लगभग 125 योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, देश के अंदर जो लोग जातिवाद की राजनीति करते थे, देश के अंदर जो क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटते थे, वे जब बेनकाब हुए हैं तब वे लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप भी इस हद तक कर रहे हैं, इस घटिया दर्जे की कर रहे हैं कि उसको खंडन करना भी हम लोग अपना अपमान समझते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त भारत बन रहा है, एक समर्थ भारत बन रहा है, भारत दुनिया के एक महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, और दीपावली का अवसर हम सबको संकल्प के साथ जोड़ने के लिए, हम सबको संकल्प का एक दिवस देता है। संकल्प किस बात का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था संकल्प से सिद्धि तक, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो यह देश या आप
अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे होंगे, तब हम क्या दे रहे होंगे? एक ऐसा भारत जो गंदगी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो गरीबी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो जातिवाद और संप्रदायवाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो। भगवान राम अयोध्या कब आए थे? जब उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को दंडकारण्य में अभय देकर के राक्षस राज का समापन करके उस समय के सबसे बड़े आतंक के पर्याय रावण और उसकी पूरी सेना को मार करके जब अयोध्या आए, अयोध्या का एक राजकुमार इस देश और दुनिया के कोटि कोटि मानवों के लिए देवत्व बनकर के उभर करके अयोध्या का आगमन होता है, यह अचानक नहीं होता है। आज इस देश के अंदर देश को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है और इसीलिए अहर्निश प्रयास निरंतर विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने की दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बंधुओं भाइयों बहनों इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए, आपकी भावनाओं का एक एक करके सम्मान हो रहा है, एक एक करके सारे कार्य हो रहे हैं। आप केवल इंतजार करिए, केवल उस संकल्प के साथ जुड़िए। अगर ताकत आपके पास होगी, अपने ताकत के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ताकत होगी विकास की, और ताकत होगी यह देश जातिवाद संप्रदायवाद मत और मजहबवाद से हट करके, तुष्टिकरण की बात से हट करके भारत को एक सशक्त और समर्थ भारत बनाने के उस आगे अग्रसर हो सके, तो वह राम राज्य की परिकल्पना को साकार हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, यह सपना आपका उससे साकार होगा और उसको साकार करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आप इसके साथ जुड़े। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको दीपावली के इस पावन पर्व पर आह्वान करूंगा। अभी हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय का यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पूज्य संतों के सानिध्य में यहाँ पर दीप प्रज्वलन के बाद हम लोग सरयू जी की आरती के लिए जाएंगे और सरयू मैया की आरती के बाद फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम एक साथ संपन्न होगा। आप सब अनुशासन के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बने इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम के नारों के बीच योगी आदित्यनाथ का ये भाषण। यहाँ से कुछ ही देर बाद वो सरयू तट पर पहुंचेंगे आरती करने के लिए और दीपोत्सव राम राज्य की परिकल्पना को हम साकार करेंगे, जितने वादे किए हैं वो सभी निभाएंगे। नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ मेरे अयोध्या आने पर लोग हमेशा परेशान होते हुए हैं, आए हैं ये कहते हुए योगी ने आज कहा कि मैं अयोध्या आऊं तो परेशानी, ना आऊं तो पूछते हैं क्यों नहीं आते। इन्हीं बातों के बीच अयोध्या को किए हुए वादे सत्य किए जाएंगे ये कहते हुए योगी, और ये हम आपको दिखा रहे हैं सरयू तट पर भव्य नजारा, अद्भुत भव्य नजारा सरयू के तट पर। इस दीपावली को देखिए, दिए जलाकर क्या रोशन अयोध्या होगा। वही नगरी जो राम जन्मभूमि विवाद में जैसे वक्त में कहीं ठहर गई, वही नगरी जो हिंदुओं के लिए आस्था विश्वास धर्म की नगरी है, लेकिन जिसमें विकास की सुई ऐसी अटकी है कि यहां का युवा त्राहि त्राहि कर रहा है। आज वहीं पर नए सिरे से कुछ दिए रोशन किए गए हैं, कुछ क्या लाखों की संख्या। अब इस दिए की रोशनी से बीजेपी की सियासत चमकेगी या अयोध्या वासियों की किस्मत, ये सवाल है। सरयू के तट पर
झिलमिल रोशनी, सरयू की कलकल नहरों पर, लहरों पर प्रतिबिंब उस रोशनी का जो इन दियों के जरिए अयोध्या में जलाई जा रही है। पहली दिवाली श्री राम के लौटने पर इसी अयोध्या में, और अब ये योगी वाली दिवाली। रोशन ये नजारा दियों के साथ छोटी दिवाली पर एक शुभारंभ। और ये दूसरी तस्वीर में देखिए चमचमाती हुई सरयू की लहर, रोशनी दियों की लहरों तक पहुंच रही है और रोशन आज सरयू भी है। अद्भुत नजारा। और आज योगी अयोध्या में है और उन्हीं की वजह से ये भव्य आयोजन किया गया है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। राम मंदिर की कल्पना करने वाले लोगों में आगे की कतार में खड़े रहे हैं और उसी सपने को जिस रूप में आकार दे सकें। कभी राम मूर्ति की बात होती है, कभी सरयू तट पर छोटी दिवाली के साथ श्री राम के वहां पर पुष्पक विमान पे पहुंचने का मंचन, इन सब के बीच उफान भरती योगी की उम्मीदें और अरमान। लेकिन कहां वो इस रोशनी में समा पाएंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं उन दियों की जो आज घाट पर जलाई जा रही हैं। दरअसल ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां पर लगातार घाट बनाए गए हैं। बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं है लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर ये दिए जलाए जा रहे हैं और यूनिफॉर्म तरीके से कई हिस्से में घाट है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। रोशन होते दिवाली के दिए, श्री राम सीता और लक्ष्मण का राज्याभिषेक वापस अयोध्या लौटने पर, जो कि योगी ने किया। और तीसरी तस्वीर में दियों की रोशनी से जगमगाती हुई सरयू की लहर। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं उनके पास। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौलाना सूफियान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ राजीव राय जी शुरुआत करना चाहती हूं। आज इस सफेद रोशनी में अयोध्या नहाया हुआ है, धर्म नगरी को लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंच तो रहा है, उसकी सुध तो ले रहा है। आज योगी जी ने कहा कि हम अयोध्या आए तो कहते देखो बार बार अयोध्या जा रहा है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे देखो अयोध्या जाता ही नहीं है। इशारा आपकी तरफ था। उनके पास इसके सवाल बोलने के लिए और कुछ है भी नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं है। जिस रामचंद्र जी का नाम लेकर राम राज्य के सपने दिखाकर आए थे, इनके राज्य में क्या हो रहा है उस बारे में जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। मैं जो लाइनें कहूँगा गोपाल दास नीरज की कविता है से, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धेरा धरा पर रह कहने जाए। जब दिल काला हो तो दिखाने के लिए दिए जलाकर विकास नहीं हो सकता, राम राज नहीं हो सकता। राम राज के लिए उस भावना को दिल में साकार करना पड़ेगा, उस भावना के साथ अपने आचरण में लाना पड़ेगा, उस भावना के साथ कार्य करना पड़ेगा। कहीं केरला जाएं, गोरखपुर जाएं, अयोध्या जाएं, किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बड़े सपने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको यहां भेजा था, राजीव जी बीजेपी कह रही है कि हम अयोध्या की सुध ले रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को इतना क्यों खटक रहा है। आप तो सैफई को खूब चमकाते थे, जो आपके नेताओं के पैतृक गांव है उसको खूब चमकाते हैं, लेकिन श्री राम के अयोध्या पर नजर नहीं जाती थी। मुख्यमंत्री की सड़कों की, स्कूलों की, कॉलेजों की हालत देख लीजिए। युवा यहाँ पर रोजगार के लिए रो रहा था लेकिन 5 साल तक मेहरबान नहीं हुए आपके मुख्यमंत्री जी। अब योगी जी सुध लेने पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि जो वादे किए हैं हम पूरे करेंगे। अच्छा आप सुनिए अंजना जी, अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए,
अंजना जी, मैं आप जैसे पत्रकार से इस तरह की कमेंट की उम्मीद नहीं करता। आप बोल रही हैं कि वहाँ शुद्ध नहीं लिया गया, वहाँ हमने क्या नहीं वहाँ घाटों के लिए किया, वहाँ राम वन का प्रस्ताव किया, वहाँ राम चबूतरा बनवाया, और खाली बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही थी, अयोध्या में बेरोजगार हो रहे थे। हमारे रोजगार के आंकड़े आप तथ्यों के साथ, अंजना जी मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, तथ्यों के साथ इस चैनल पर बोलिए कि हमने कितने रोजगार दिए थे और इन्होंने आने के बाद रोजगार कहां से मिले हैं। आप नोटबंदी के बाद पूरे देश में रोजगार पेट पर लात मारा गया, आप रोजगार की बात कर रही हैं, इससे रोजगार मिल गया उनको? उनके पास अपने बातों को उन वादों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यही सिखाया था कि अपनी जनता को झूठ बोलकर, अपनी जनता से बेवकूफ बनाकर, जनता को झूठे सपने दिखाकर शासन में आ जाओ और ड्रामा करते रहो। किसी को ऐतराज नहीं अयोध्या जाने से, किसी को ऐतराज नहीं उनको दिवाली मनाने से। ये जबरदस्ती ब्रांडिंग न करके हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, बाकी दुश्मन हैं। हिंदू धर्म को बेचने वाले ये लोग हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाले ये लोग हैं। हिंदू धर्म में सद्भावना होती है, सबको लेकर साथ चलने की प्रवृत्ति होती है राय जी। लेकिन 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 ये सवाल तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि अगर आपको वाकई लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं तो आपको क्यों जनता ने नकार दिया? लेकिन हमारे साथ इस वक्त निजामी साहब भी मौजूद है। निजामी जी, आपकी क्या राय है इस भव्य दिवाली पर? देखिए अंजना जी, हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, और अगर अयोध्या में इसको मनाया जाता है। राय जी लौट रही हूँ, राय साहब लौट रही हूँ, एक सेकंड सर। निजामी साहब बोले जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, बहुत ही अहम और मुबारक ये त्यौहार है हमारे हिंदू भाइयों का, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुबारक मौके पर किसी तरीके की भी कोई सियासत की जाए। आपने अयोध्या में एक भव्य प्रोग्राम किया है, हिंदुस्तान का हर शहरी, हर नागरिक इसका इस्तकबाल करता है और करना चाहिए, क्योंकि ये किसी जात और किसी धर्म और किसी जात और कम्युनिटी का मामला नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, उसकी जो पहचान है, उसका जो एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, उसकी एक प्रथा है और उसको करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज इसमें जो मैं समझता हूं, जहां तक कि ये कि इस मुबारक मौके को और एक महत्वपूर्ण एक त्यौहार को अगर सिर्फ त्यौहार के दायरे तक रखा जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसमें ना तो सियासत की जाए, ना तो इसमें सियासी कोई ऐसे बाढ़ फेंके जाए दूसरों की तरफ कि फिर वो उसको सियासी और पॉलिटिकल एंगल देने लगे। आप एक महंत हैं, आपकी एक धार्मिक पहचान है और एक रिलीजियस लीडर हैं, और खास तौर पर आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि अगर अयोध्या को पूरी दुनिया के अंदर एक खास नाम से जाना जाता है और एक खास इशू से जाना जाता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अयोध्या के लिए कुछ करें, बजाय इसके कि पिछले सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर वही पुराने डायलॉग आप एक दूसरे पर बारिश करें और उसको खींचातानी करें। तो इससे देखिए कोई ना हल होगा, और आवाम जो देख रही है आपको इस उम्मीद के साथ कि आज इतना अच्छा मौका है, आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनको किसी तरीके का कोई पैगाम देंगे, तो अगर आप इस रास्ते पर आगे चलते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। संघ विचारक अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले, चूंकि लगातार बौछार भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका क्या हम अर्थ लगाएं? ये कहना कि ये आडंबर किया जा रहा है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, दिवाली की ये भव्य तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। हाँ अवस्थी जी, सरयू तट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी। अंजना जी, मुझे लगता है कि दिवाली का जो पूरे देश में और विश्व में जो उत्सव मनाया जाता है उसका केंद्र अयोध्या है, उसका कारण, मूलभूत कारण अयोध्या है। आप जानते हैं या हम सब लोग जानते हैं कि उस दिन श्री राम जो हैं 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस, रावण को मार करके वापस अयोध्या आए थे, और अयोध्या में उत्सव का माहौल था। अगर वो उत्सव का माहौल आज है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि किसको आपत्ति किसको है। और एक बात मैं बता दूं कि श्री राम जो है वो सिर्फ एक धर्म, एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक वर्ण, एक लिंग, एक जाति के नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में राम कथा से संबंधित न सिर्फ राम कथाएं हैं, वहां के नगरों के नाम अयोध्या है, वहां पर अयोध्या पर्वत का नाम सुमेरु है, वहां पर अगर पूरी राम कथा की भित्ति नहीं, वो कह रहे कि आडंबर है। मैं चाहती हूँ सुधांशु जी इस पर रिस्पॉन्ड करें क्योंकि सरकार की तरफ से वो है। अंजना जी जो आडंबर कह रहे हैं उनको दिवाली का राम का मतलब मालूम नहीं है। राष्ट्रीय चिति की अभिव्यक्ति है, और राष्ट्रीय चिति की अभिव्यक्ति
अगर समूचा राष्ट्र इस राम को अपने आदर्श के रूप में मानता है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो इसमें मुझे लगता है जिनको आपत्ति है उनको, उनके साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री राम से दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं कि योगी के रामलीला से दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि आडंबर हो रहा है। देखिए अंजना जी, आज बहुत ही एक पावन और पुनीत पर्व का दिन है, तो राजनीतिक बहस हम लोग करते रहेंगे, पूरे 364 दिन हम करते रहेंगे। आज के दिन पे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये तो एक विडंबना थी कि स्वतंत्र भारत जब अस्तित्व में आया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन जो राम राज्य था, उस राम की जन्मभूमि पर आज तक कभी इतनी भव्य दिवाली नहीं मनाने की स्थितियाँ उत्पन्न हो पाई। आज तक क्या स्थिति रहती थी कि उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, एक वो भी दिवाली थी, और आज महका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तो हम कहेंगे हमें खुशी से मनाना चाहिए। और अभी अभिनंदन जी ने जो बात कही, देखिए राम किसी एक देश धर्म संप्रदाय के नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, और वहां के राष्ट्रीय चैनल पर प्रतिदिन रामायण आती है, कोई समस्या नहीं है। थाईलैंड जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग अभी 6 महीना पहले जिनकी डेथ हुई पिछले वर्ष, भूमि बल अतुल तेज, किंग रामा द 9th। क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट का प्रभाव है साउथ कोरिया में, वहां का नहीं, नहीं, राम राम को विश्व के कई देशों ने स्वीकारा है। ठीक है सर सुधांशु जी, आपकी बात, राम को कई देशों ने स्वीकारा है, और राम क्या है, राम भारत है, राम अजय है, अमर है, लेकिन वही आस्था वही विश्वास जब सरकारी बन जाए। योगी की रामलीला तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या तट पर सरयू की तस्वीरें आज दिखाते हैं आपको, क्योंकि कुछ देर पहले वहां पर राम सीता और लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया गया, और उसके बाद सरयू तट पर जो भव्य आयोजन हो रहा है 2,00,000 दीपों के साथ, भव्य नजारा है। संजय झा जी, आपको भी ये तस्वीरें खल रही हैं क्या राजीव राय जी की तरह? देखिए अंजना जी, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी उत्सव या त्योहार मनाने का सबको आजादी है, और मैं तो ये जी बोले सर। अंजना जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए, मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी हो, जो भी आपको त्योहार आपको मनाना है, दीपावली मनाना है, उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर धार्मिक आजादी है सबको, भारत का संविधान यह बताता है। लेकिन अंजना जी, इस बात पर गौर कीजिए कि इनके सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संगीत सोम कहते हैं कि ताजमहल एक गद्दारों ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो गवर्नर है तथागत रॉय, वो तो उनका जिस तरीके से उनका जो बयानबाजी हुआ है, आज भी हुआ है, ये कहते वो तो भड़काने की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है। विनय कटियार बोलते हैं कि ताजमहल हिंदुओं ने और हिंदुओं ने बनाया, एक तरीके से एक माहौल जो है एक बहुत ही सांप्रदायिक तापमान को बढ़ाने वाला है। देखिए, इनकी मंशा, इनकी नियत पर हमें गौर करना पड़ेगा कि अचानक आज ये क्यों हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज पर एक ना एक तरीके से मजहब और राजनीति का एक मेल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं खुद, उनका यदि आप इतिहास देखिएगा, ये लंबा तो कट्टरपंथी बयानबाजी, राम आज के बारे में, दिवाली के बारे में संजय झा कुछ नहीं बोले, इसके बारे में कुछ नहीं बोले, वो बाकी सब बातों में बोले। महत्वपूर्ण बात ये है कि संजय सुन लो, कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सोमनाथ का मंदिर बनवाने पर भी माहौल पंडित जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद के मतभेद थे, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है जेब में रेजिग्नेशन लेटर लेके रखते थे और सोमनाथ का मंदिर जाके बनवाया था, तब सांप्रदायिकता नहीं थी, तब भी कुछ लोग थे, आज जैसे लोग जो सांप्रदायिकता देखते थे। इस देश की विराट चिति जो है, वो इस देश की विराट चिति की अभिव्यक्ति में अगर अयोध्या में नहीं होगी, अयोध्या सुनी पड़ी रहेगी तो दिवाली किस बात की, दिवाली अयोध्या में जाकर के इस तरीके से भव्य और उत्सव के रूप में मने, तो इससे बेहतर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अयोध्या क्यों सुनी पड़ी रहे आज के दिन, इसका जवाब संजय जी छोटा सा। अंजना जी संक्षेप में इसका जवाब दूंगा। आप जानती हैं कि अयोध्या में जब से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद से ये बहुत ही नाजुक और एक बहुत ही संजीदा एक मसला है, और ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आप ये भी जानती हैं कि 2019 में विवादित स्थल की बात नहीं हो रही है सर, सरयू तट पर दिवाली की बात हो रही है, इस पर धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक मिनट धार्मिक ध्रुवीकरण तो सर फिर इफ्तार पार्टी से भी होता था।
एक एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दरअसल वो अबीर मिलता ही नहीं जो सबको भा जाए, और इसीलिए तमाम सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से इसको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सरयू की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाएंगे। 2 लाख दिए दीपोत्सव में।